नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल दुनिया सपनों की। और दोस्तों, सपनों की सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, यदि आप सपने में खुद को सांप को पकड़ते हुए देखते हैं तो ये सपना आपके लिए शुभ होता है या फिर अशुभ। स्वप्न शास्त्र के अनुसार खुद को सांप पकड़ते हुए देखने का आखिर क्या मतलब होता है, तो आइए दोस्तों जानते हैं ये सपना आपके लिए कैसा संकेत लेकर आता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति सपने में देखता है खुद को सांप को पकड़ते हुए, तो ये सपना उसके लिए अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि वो व्यक्ति अपने शत्रुओं पे विजय हासिल करेगा, आप अपने दुश्मनों को परास्त करेंगे। और इस सपने का मतलब होता है, यदि आपके जीवन में बुरा समय चल रहा है, आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, तो इन परेशानियों से आप जल्द ही बाहर निकलेंगे, परिस्थितियों पे आप काबू पा लेंगे, चल रही परेशानियां आपके अनुकूल होंगी। और दोस्तों, सपने में सांप को पकड़ते हुए देखने का अर्थ ये भी होता है कि अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है, समाज में आपको मान सम्मान भी हासिल हो सकता है। इसलिए दोस्तों, ये सपना आपके लिए बेहद ही शुभ और सकारात्मक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप सपने में देखते हैं कि सांप आपके हाथों से फिसल जाता है, आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, छूट जाता है, तो ये सपना अच्छा नहीं माना जाता है। इसका अर्थ होता है कोई अच्छा अवसर आपके हाथों से छूट सकता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सावधान रहे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार दोस्तों।